क्वेश्चन ये है ना, बताओ क्वेश्चन तो ये है, वो आंसर क्यों होगा हर बार डिफरेंट आंसर क्यों आ रहा है? हर केस में तो निकालने के लिए वही बोला गया है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हर बार अलग अलग फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा है, हर बार अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, वही डिफरेंस को समझना है। अब वो डिफरेंस नहीं समझ में आया, आप स्टेशन पे बैठे रहिए या जो करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कैमरा ऑन करो, ऑनलाइन में भी जो लोग हैं दीक्षा, कैमरा ऑन करो, अपना फेस की तरफ रखिए, सीलिंग मत दिखाइए मुझे। मैम, हाँ बोलो मैम एक क्वेश्चन है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है मैम। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे लेने दो, उसके बाद हम तुम्हारे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। बताओ, नहीं मिला आंसर, कोई और है जो एक्सप्लेन कर सकता है, पूरा ट्राई कर सकता है, एटलीस्ट ट्राई कर सकता है, है कोई ऐसा? मैम क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, गल वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है, चलो बताओ। नहीं खड़े रहो, एक भी आंसर नहीं दियो, चलो बोलो, एक मिनट चुप बोलो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, जो कि इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं बताया गया है कि मतलब क्या इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, इसे हमें ये नहीं बताया गया है, जो कि दोनों बॉल मतलब इंडिपेंडेंट है, दोनों बैग एक दूसरे से, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है मैम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड बॉल, इसमें मैम हमें बताया गया है कि रेड बॉल है जिसमें से हमें सिर्फ दो ही निकालना है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं सिक्स सी टू, जो कि हमारा सिक्स है, जो कि टोटल रेड बॉल है, और सी टू मतलब सिलेक्शन है कि हम लोग दो निकाल रहे हैं, जो 14 है वो मतलब टोटल जो दोनों बैग का है बॉल ग्रीन और रेड मिला के उसमें 14 है, और सी टू है जो कि हम रेड बॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं वो सी टू है। और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल एंड वन ग्रीन बॉल, इसमें मैम ये क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि दो बैग दिया गया है, दोनों बैग में से हमें एक रेड बॉल निकालना है और एक ग्रीन बॉल निकालना है, इसमें मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट बैग से आए या सेकेंड बैग से आए। और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि मैम कि टू रेड बॉल है जो कि बैग वन से है, और थ्री रेड बॉल है जो कि सेकंड बैग टू से है। यस मैम, तो इसमें ये बताया गया कि जो मतलब टू रेड बॉल आएगा जो कि फर्स्ट ही मतलब बैग से आना होगा, जो उसके बाद है थ्री रेड बॉल है जो कि सेकंड बॉल से आना होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे टू सी टू, जो कि टोटल हमारा टू ही बॉल था फर्स्ट बैग में रेड बॉल, और उसमें से हम सिलेक्शन भी टू कर रहे थे, और ये टोटल फर्स्ट बैग में टोटल ग्रीन और रेड बॉल था फाइव, और उसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं सी टू, तो अपन बाय सी टू लिखते हैं, प्लस करते हैं, उसके बाद फोर्थ था कि हम लोग फोर्थ सिलेक्शन। सुन लो, हम फिर से पूछेंगे तुम लोगों से, ये टोटल बैग था सेकंड मतलब सेकंड बैग में टोटल बॉल था फोर, और उसमें से हम लोग थ्री सिलेक्शन कर रहे थे, इसमें सेकंड बैग से थ्री सिलेक्शन कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे, टोटल जो बैग था वो नाइन था, तो इसलिए हम लोग अपन नाइन और सी थ्री करते हैं ठीक है। देखो समझ में आया, थोड़ा लास्ट वाला बताओ तो जरा, उधार क्या था? नाइन बैग में से थ्री बैग का सिलेक्शन कर रहे थे, नाइन बैग में से नाइन बैग था का अब वही उसमें से थ्री बैग का सिलेक्शन कर रहे थे, थ्री बैग दो में से थ्री का सिलेक्शन तुम कैसे कर लोगे? तुम्हारे आंसर गलत देने का मतलब है उसका आंसर गलत था, बहुत स्पीड में बोल दी थी मैं, तुम अच्छा टीचर नहीं बन सकते, यही बोल रहा था। अजय देख, तुम्हारा बताओ ना, तुम स्टूडेंट अच्छे नहीं हो, हो भी तो सकता है ये भी। हाँ वो भी बात है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बैठो, दो बैग का जो कंपोजिशन दिया हुआ है, फर्स्ट में टू रेड बॉल थ्री ग्रीन बॉल है, सेकंड बैग का कंपोजिशन दिया था फोर रेड बॉल एंड फाइव ग्रीन बॉल, ठीक है,
यही गिवन है। अब देखो पहले केस में जो लिखा है सिर्फ रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, पहले तो आपको सिर्फ रेड बॉल निकालना है ये बताया गया, दूसरे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है बैल कौन सा है क्या है नहीं है कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंटली 2/5 और 4/9 कर लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का सिलेक्शन है। और ऐसा कब कर सकते हो, जब इसमें इंडिपेंडेंट हो दोनों बैग अलग अलग है इंडिपेंडेंट है, ये कलेक्टिव ऑप्शन नहीं दिया गया है तब। और यहाँ पे कुछ भी सिर्फ रेड बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर अगर ध्यान से देखो तो ये जो 2 है वो क्या है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एग्जॉस्टिव केसेस, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एग्जॉस्टिव केसेस, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 849 जो भी आ रहा है, तो ये भी जो टर्म है वो क्या है, फेवरेबल इवेंट्स आउट ऑफ दिस। अब ये जो फेवरेबल इवेंट्स और ये सब जो टर्म दिया है ये कितने बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है, सिर्फ एक का सिलेक्शन का ऑप्शन है, सिर्फ एक के सिलेक्शन का। जैसे क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है और किसी एक का सिलेक्शन करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/10। सो एक बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, या फिर इसमें बोला जा सकता है टोटल अगर 45 पॉसिबल ऑप्शन है तो उसमें से 8 बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये देता है। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या था, कलेक्टिवली 2 बॉल निकालना है, कलेक्टिवली 2 बॉल निकालने का मतलब ये हुआ दोनों बैग को मिक्स करके, मतलब दोनों बैग्स को मिलाकर 2 बॉल का सिलेक्शन करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है 4th क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है 2 फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड 3 फ्रॉम द सेकेंड बैग, तो यहाँ पे कलेक्टिव ऑप्शन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में कलेक्टिव ऑप्शन है कि 2 बॉल्स आपको रेड निकालना है, टोटल रेड बॉल कितने हैं, 6, उसमें से 2 निकालना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग रेड बॉल, इनफैक्ट 2 रेड बॉल यू कैन से, क्या हो जाएगा, 6C2 डिवाइडेड बाई कितना है टोटल, 14C2। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों बैग का आप सम कर ले रहे हो, देखो ध्यान से ये 14 और 6, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिवली 2 बॉल निकालना है फ्रॉम बोथ द बैग्स। अगर एक बैग और होता तो उसके भी रेड बैग को हम ऐड कर लेते, उसमें से आप 2 बॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं, समझ आया क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेंगे आंसर आ जाएगा। बार नाउ तुम अब अगले साल से, ठीक है, अगर कलेक्टिवली 2 बॉल किंग बॉल ऐसा कुछ ऑप्शन होता है तो हम रेड बॉल को सम अप कर रहे हैं, अगर कलेक्टिव नहीं है तो नहीं होगा। इसी के बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आपने लिखा है 2 बॉल का सिलेक्शन करना है बट 1 रेड एंड 1 ग्रीन, तो 1 रेड एंड 1 ग्रीन में आपने क्या किया, कलेक्टिवली 2 बॉल का सिलेक्शन करना है, ये दिमाग में रखना। तो 1 रेड और 1 ग्रीन जब है तो आपका टर्म क्या आ जा रहा है, 1 रेड, रेड क्या कर रहे हो, उन दोनों रेड को ऐड कर दे रहे हो, कलेक्टिव वर्ड इसका मतलब यही है, दोनों रेड को आप ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 6C1 into रेड और ग्रीन बॉल का सिलेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ग्रीन बॉल टोटल कितने हैं, 8C1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 14, और 14 में से कितने का सिलेक्शन हो रहा है, 2 का, समझ गए। ग्रीन एंड रेड बॉल का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लेकिन कलेक्टिवली 2 बॉल्स निकालना है, सो मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है और कलेक्शन 2 आप सिलेक्शन करने वाले हैं, तो ये 61 और इसमें से 1 रेड का जो भी कलेक्शन है पूरा उसमें से 1 निकालना है, ग्रीन का टोटल कलेक्शन में से 1 निकालना है, 2 टोटल आपको 2 बॉल्स निकालना है, वो 14 में से 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखो क्या है, 2 फ्रॉम द फर्स्ट बैग स्पेसिफाइड है ना, 2 फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यहाँ पे बॉल स्पेसिफाइड था रेड ग्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाइड है, बैग स्पेसिफाइड है, कलर भी स्पेसिफाइड है और बैग भी स्पेसिफाइड है, तो रेड बॉल का सिलेक्शन करना है, जो 4th क्वेश्चन था उसमें क्या था, 2 रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, सो 2 है टोटल 2 है,
और दो में से दो का सिलेक्शन, अब फर्स्ट में से जो सिलेक्शन कर रहे हो 5G2 प्लस साइन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट बैग से आप स्पेसिफाई किया हुआ है अब सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड में आपको कितना निकालना था, 4C3 डिवाइडेड बाय 9C, इसलिए प्लस साइन आ रहा है। तो बैग स्पेसिफाइड है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बॉल स्पेसिफाइड है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कलेक्टिवली दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंडिपेंडेंटली दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या वेरिएशन है समझ लो, उसी के हिसाब से आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, हो गया, क्लियर है? देखो, ठीक है, चलिए अब किसी का क्वेश्चन भी था बताओ सर, क्या है, किसी को कुछ पूछना है बोलो। मैम व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दे रही हूँ, बड़ा क्वेश्चन। अच्छा ठीक, भेजिए, पहले ही भेज देते। इससे पहले एक काम करो, जो क्वेश्चन वो शेयर करेगी वो हम देखते हैं करते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाइए तो जरा। अब इसका सिंपलीफिकेशन के साथ बनाना, देखो एक कंटेनर ले आइए, बैग दो बैग, तुम खुद तो पहले बना लो, फाइव रेड सेवन ग्रीन थ्री रेड सिक्स ग्रीन, एक सेकंड, सिक्स रेड थ्री ग्रीन। चलो इसमें से क्वेश्चन लिखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल, तो रेड बॉल के लिए भी निकालना है, ग्रीन बॉल के लिए भी निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, श्रुति एंड सिद्धांत, कैमरा ऑन करिए, मैम हाँ मैम, दोनों का रेड और ग्रीन का अलग अलग निकाल, हाँ अलग अलग निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री रेड बॉल एंड थ्री ग्रीन बॉल, ठीक है, कलेक्टिवली लिख लो यहाँ पे, थ्री रेड बॉल एंड थ्री ग्रीन बॉल। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर बॉल्स वेयर एट लीस्ट थ्री इज ग्रीन, ये थोड़ा डिफरेंट है, एट लीस्ट थ्री इज ग्रीन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर बॉल्स का सिलेक्शन करना है, कम से कम उसमें तीन, एट लीस्ट थ्री इज ग्रीन। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव रेड बॉल्स, नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड एंड टू ग्रीन बॉल्स, दिस इज द लास्ट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड एंड टू ग्रीन बॉल्स, कलेक्टिवली ही है, टू रेड टू ग्रीन स्पेसिफाइड है ना, बैग स्पेसिफाई नहीं किए हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लो, लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू बॉल्स, टू रेड बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट बैग
two red balls from the first bag and three red balls from the second bag. Two red balls from the first bag and three red balls from the second bag. ये दिख रहा है ना, शाइन कर रहा है ये. फर्स्ट बैग में फाइव रेड बॉल है, जो लोग ऑनलाइन है उनके लिए बोल दे रहे हैं. सेकेंड सेवन ग्रीन बॉल है. चलो सॉल्व करो तो जरा, करो बहुत तुम लोग टाइम पास करते हो. नहीं अभी मैम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड थ्री रेड बॉल्स फ्रॉम द सेकेंड बैग. मैम बोलो. फाइव नंबर क्वेश्चन जो लिखवाए थे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड एंड टू ग्रीन बॉल, ये कलेक्टिवली था मैम या इंडिविजुअल? हाँ कलेक्टिवली ही है. चलो बताओ जल्दी रजान, बाद में सांस लेना समझना वो सब करना, पहले अभी बना लो. एकदम काम पे लग जाइए. सिट्टू बात नहीं, यहाँ पे बैठाएंगे. सबको उतना ही पता है जितना बताया गया है ना. कंफ्यूजन तुम लोगों को इसी वजह से रह जाता है कि क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो. घर पे क्या, यहाँ ही बंद हो जाता है तुम लोगों का. अभी क्या बंद ही करके बैठे हो? शुरू करोगे बनाओगे तब तो कुछ होगा. जो क्वेश्चन तुम पूछ रही हो रूपम, उसमें कंडीशनल भी देखना पड़ेगा, तो पहले उसको कर लो उसके बाद उसको बनाना. ठीक है? ओके मैम. बिना इन सबके प्रैक्टिस के एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, एक क्वेश्चन हिलने ही नहीं वाला है. सॉल्यूशन खुद का बनाओ ना, क्यों दूसरे की कॉपी में झांकते रहते हो? क्या फायदा है? ऑनलाइन में किसी का बना? बन गया. लाओ कॉपी लाओ जरा. हम दो बचा हुआ. बताइए जब तक बताइएगा, नहीं तो फिर तो हम आगे बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारा बता चुके हैं, सब ऊपर से उड़ता जा रहा है.
आगे पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे का सारा पता नहीं कहाँ भेज दे रहे हो या कौन से स्टोर रूम में बंद करके रखे हो पता नहीं। मैम खाली मतलब फॉर्मेट में लाने से नहीं होगा, स्टॉक कैलकुलेशन में पूरा करना कंपलसरी है। सर तो अगर अगर रीजनेबल है तो कर लो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है तो फिर छोड़ सकते हो। मैम बहुत लेंदी हो रहा है तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं तो फिर छोड़ दो, ज्यादा लेंदी हो रहा है तो छोड़ दीजिए। एटलीस्ट इतना बताओ कि क्या आया है, फिर सिंप्लीफिकेशन करना फर्दर। तुम्हारा बन गया कॉपी? दादू सर लिखे हो कॉपी? तुम इतना टाइम लगा दिया क्वेश्चन लिखने में? ये जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल, इसको अलग-अलग बनाना है। रेड बॉल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड एंड 3 ग्रीन स्पेसिफाइड है। हां तो वैसा क्वेश्चन हम करवाए हैं प्रीवियसली, देखो मैम इसको अलग-अलग बनाना है, ग्रीन बॉल का अलग निकालेंगे, रेड बॉल का अलग निकालेंगे, या फिर कलर लेफ्ट मैम उसका मतलब करेंगे 19 टोटल बॉल होंगे 19 होंगे ना, मतलब 5 टू कैसे लिखेंगे? 19C3 भी नहीं लिखेंगे। हाँ दोनों को अगर कंबाइन कर रही हो कलेक्टिवली अगर निकाल रही हो तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 फ्रॉम रेड 3 फ्रॉम ग्रीन टोटल 6। अगर अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग निकाल लो फिर सम कर देना। क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड रहता है, आपको अगर 3 बॉल्स निकालना है तो उसमें मेंशन रहेगा 3 बॉल 3 फ्रॉम रेड 3 फ्रॉम ग्रीन, मतलब वहां पे 3 बॉल्स नहीं निकालना है, टोटल 6 बॉल निकालना है जिसमें से 3 रेड और 3 ग्रीन होगा। ठीक है ज्योति क्वेश्चन सॉल्व हुआ, निवेदिता रोल नंबर 51 चंदा आदर्श अंकित बना बताओ जल्दी से। लो कॉपी लो लाइए जरा देखें क्या बनाया। मैम ठीक बन गया। मैम सॉल्यूशन नहीं किए बस फॉर्मेट में बैठा दिए, मतलब जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट बनना चाहिए। ठीक कहाँ है क्वेश्चन शुरू कहाँ से किया? पांच बटा बारह छह बटा नौ अठारह ये क्या है? ग्रीन का रेड बॉल ग्रीन बॉल बात नहीं। Find the probability of getting 3 red balls and 3 green balls collectively. 3 red ball and 3 green ball. ठीक है ये find the probability of getting 4 balls where at least 3 is green.
नहीं बना ये मैम, ये फाइव रेड बॉल्स, गेटिंग फाइव रेड बॉल्स, बस इतना ही क्वेश्चन था। टू रेड बॉल टू ग्रीन बॉल, ठीक है। आगे का सिंप्लीफिकेशन कौन करेगा? हम टू रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड थ्री रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। चलो क्या आंसर आया जरा बताइए तो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5/18, 11/5/18, 5/18, 5 रेड, probability of getting red balls, बस 5/18 ला तो तुम्हारा क्या हुआ है? देखो क्वेश्चन में तो 18 रेड बॉल है, तो मतलब जैसे ये टोटल 5 और 6 को ऐड कर, तो मैं से तो मैम नहीं नहीं फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए थे 5/12 ऐसे होगा ना, 5/12 ये हो जाएगा, इसमें 5 है फर्स्ट बैग में, 5×12 into 6/9 सिंपलीफाई करो, ये होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? सेकंड क्वेश्चन में क्या है? थ्री रेड बॉल एंड थ्री ग्रीन बॉल ना, सो थ्री रेड बॉल एंड थ्री ग्रीन बॉल मींस कलेक्टिवली 6 बॉल यू हैव टू सेलेक्ट, जिसमें से आपका सॉल्यूशन क्या रहा है? 21C3 क्या लिखे हो बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल 6 बॉल का सिलेक्शन करना है, 3 रेड एंड 3 ग्रीन। अब क्या है बताइए ऑप्शन आपके पास, क्या लिख रहे हो आंसर? 11C3, ठीक है 11C3 हो जाएगा into 10C3 divided by 21C6 6 हो जाएगा ना, 3 क्यों रहेगा? क्योंकि टोटल 3 इसमें से है, 3 इसमें से आ रहा है डिवाइडेड बाय 6। टोटल 6 का सिलेक्शन करना है, 3 ग्रीन एंड 3 रेड, तो सिलेक्शन कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन और होगा, यही आंसर नहीं है लेकिन निकलेगा ऐसे। थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ? Find the probability of getting three red ball. नहीं ना, four ball में से कम से कम four balls, ठीक है? Four balls में मैम at least three है मैम. At least three red. Total चार का selection करना है और three total चार है, ध्यान दो. टोटल 4 है और कम से कम अगर x का वैल्यू रखे लेस देन इक्वल टू 3, एटलीस्ट 3 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 कम से कम रेड होना चाहिए, ग्रीन है या रेड? रेड। टोटल 4 होना चाहिए मैम, ग्रीन है, 3 ग्रीन है, ग्रीन है मैम, डेटा पहले लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाल दिया गया है कम से कम 3 ग्रीन होना चाहिए। अब 3 ग्रीन बॉल का सिलेक्शन कहाँ से करोगे? ग्रीन बॉल से। टोटल ग्रीन बॉल्स कितने हैं? 10। तो 10C3 तो लिख ही सकते हो, ये 3 बॉल का सिलेक्शन हुआ, चौथा बॉल का सिलेक्शन क्या होगा? टोटल जो बच गया रेड, तो रेड कितना है? टोटल 11 है और 11 में से एक ही आ सकता है, एक ही क्यों आ सकता है? टोटल 4 का ही सिलेक्शन करना है और आपने 3 ऑलरेडी ग्रीन ले लिया है तो एक क्या बच जाएगा? रेड। दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय कितना है टोटल? 21C4।
क्योंकि टोटल फोर का सिलेक्शन हो रहा है, एक रेड और तीन ग्रीन। ये सिर्फ क्या हुआ, एक पॉसिबल केस है। दूसरा पॉसिबल है कम से कम तीन ग्रीन है, तो तीन से ज्यादा भी ग्रीन हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि तीन ग्रीन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और अगर चार ग्रीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10C4, ठीक है। और अगर आप 10C4 चारों का सिलेक्शन इससे करेंगे तो जो रेड वाला बॉल है उसमें से क्या लेंगे, जीरो डिवाइडेड बाई कितना, 21C4। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर एक्स जो है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री और टोटल फोर लेना है, यही टर्म आ जाना है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी इसको लैंग्वेज में लिख देना, इसमें लिखने से फंस जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर बॉल्स वेयर एटलीस्ट थ्री इज ग्रीन। ग्रीन कहाँ, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में देखो कम से कम तीन ग्रीन होना चाहिए, तो कम से कम तीन ग्रीन का होने का मतलब क्या है, तीन से ज्यादा भी ग्रीन हो सकता है, हो सकता है। तो तीन का तीन आप क्या करो, आपको कम से कम तीन, जैसे इसमें ऐसे ले सकते हो, तो अगर टोटल फोर मेंबर्स का कमिटी बनाना है तो एटलीस्ट थ्री मेल मेंबर्स, तो थ्री मेल मेंबर्स होंगे तो एक ऑप्शन बचा है फीमेल मेंबर के लिए। लेकिन अगर कम से कम तीन है तो तीन से ज्यादा भी रख सकते हो, तो चारों के चारों मेल मेंबर का सिलेक्शन हो गया, तो एक जो एक ऑप्शन यहाँ बचा था वो भी रिमूव हो गया, तो अब चार मेंबर का ही कमिटी बनेगा, तो पांचवा तो कुछ इन्वॉल्व नहीं होने वाला है कोई। तो यही चीज यहाँ दिया है, फोर आउट ऑफ फोर सारे के सारे ग्रीन आ गए, तो जो एक रेड का ऑप्शन था वो भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे प्लस साइन दे रहा है क्योंकि कम से कम ये ऑप्शन है, इससे ज्यादा भी हो सकता, अगर इसी में एटलीस्ट टू हो जाता तो टू के केस में करते, फिर थ्री के केस में करते, फिर फोर के केस में करते, फिर फाइव के केस में, ठीक है। ऐसा अगर फोर तक जा रहा है तो फोर तक ही जाएंगे, ठीक है। ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर, अगर इसमें एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है तो। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, इरेज कर दो इसे, गेटिंग फाइव रेड बॉल, फाइव गेटिंग रेड, गेटिंग फाइव रेड, सॉरी मैम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव रेड बॉल, इस तो बहुत आसान सा है। यस मैम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, टोटल रेड बॉल कितने हैं, 11 सी 5 डिवाइडेड बाय 21 सी 5, खत्म। और क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड बॉल एंड टू ग्रीन बॉल, टू रेड एंड टू ग्रीन, तो क्या करोगे, मिला दे अब, हो गया। टू रेड बॉल टू ग्रीन बॉल, ये भी बहुत आसान सा काम है, फोर कलेक्टिवली है, दो रेड एंड दो ग्रीन, तो 11C2, टू दो रेड दो ग्रीन, पता नहीं इसका कहां सवाल है, 10C2 इंटू 11C2 डिवाइडेड बाई 21C4, क्योंकि कलेक्टिवली टू टू है तो ओवरऑल फोर आ रहा है, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड एंड टू ग्रीन बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो, फाइनल प्रोबेबिलिटी, टू रेड बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड थ्री रेड बॉल्स फ्रॉम द सेकंड बैग। अब इसमें से बैग भी स्पेसिफाइड है, कलर भी स्पेसिफाइड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड बॉल ना, टू रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, सो रेड बॉल 5 है, 5C2 हो जाएगा, टोटल कितना है, 12C2 प्लस 5 6C3 डिवाइडेड बाय 9 है ना, 9 हो गया। आगे और भी कुछ है, खत्म, बस इतना ही था, किसी को कोई कंफ्यूजन है, ऑनलाइन में बन गया सबका, हो गया, यस मैम, तुम लोगों का यही होता रहता है, कोई फायदा
ठीक है चलो लिखो तो जरा आप क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए करो तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो जो नहीं सॉल्व किए रहेगा सबको बाहर कर देंगे और अगर सब नहीं बनाए तो सबको ही बाहर कर देंगे जो करोगे देख लेता क्योंकि इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही हो ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है ना एक दिन है ना ऑफलाइन ठीक पहले अभी बना तो लो वो मुझे दिख रहा है क्या चल रही तो ब्लू ब्लैक तो समझते हैं समझ लो मैं ब्लैक जो समझ लीजिए कलर डिफरेंट है चलिए लिखे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया तुम लोगों का फिर से मैम बैग वन में कितने नंबर है बैग वन फोर ब्लू थ्री ग्रीन एंड फाइव सॉरी थ्री रेड एंड फाइव ग्रीन ओके मैम फोर ब्लू थ्री रेड एंड फाइव ग्रीन इधर भी वही है फोर ब्लू सिक्स रेड फोर ग्रीन बैग लग रहा है या फिर ब्लैक बनाओ जो बना दो लिखिए क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ब्लैक बॉल सॉरी ब्लू बॉल एंड ग्रीन बॉल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल सब अलग अलग निकलेगा इंडिपेंडेंट है पता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो लिखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड वन ब्लू एंड वन ग्रीन बॉल वन ब्लू वन रेड एंड वन ग्रीन बॉल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर बॉल्स एट लीस्ट टू रेड बॉल इज देयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर बॉल्स नहीं स्पेसिफाइड है एटलीस्ट टू रेड होना चाहिए उसमें ठीक है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर बॉल एटलीस्ट टू रेड इज देयर ठीक है नेक्स्ट बॉल नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग six red balls from the first bracket में लिख दो bracket में उसमें लिखो six ball का total selection करना है two from the first bag and four from the second bag Two from the first bag and four from the second bag. Next question likhiye. Find the probability of getting no red ball. Find the probability of getting no red ball. Theek hai? Next question.
रेड बॉल नहीं होना चाहिए. लिखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स ग्रीन बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड बैग कलेक्टिवली. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर बॉल फ्रॉम एटलीस्ट टू रेड बॉल्स, मतलब जिसमें एटलीस्ट दो रेड बॉल होने चाहिए, तो कम से कम दो होना चाहिए मैम. बाकी जो ब्लू और ग्रीन बॉल है उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. तो मैम पहले किसका नंबर मैक्सिमम रखेंगे, मतलब जैसे कि फर्स्ट केस में तो एक कम से कम दो रेड बॉल होना चाहिए, तो दो रेड बॉल रख लो. बाकी जो जो कॉम्बिनेशन है आप बना सकते हैं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वन ग्रीन वन ब्लू ले सकती हो अगर बच गया तो दो के बाद, फिर दोनों ही ब्लू ले सकती हो, दोनों ही ग्रीन ले सकती हो. ओके मैम, फिर टोटल सम कर लो. ठीक है चलो, ठीक 22. Okay, then we will continue next class.